हेलो दोस्तों, हमारे चैनल हिमवश में आपका स्वागत है। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का आगाज़ हो चुका है और आज चलते हैं ऐसे ही एक बर्फीले सफ़र पर। आप में से कई लोगों की राका भाई की नई बस यानी जहरीली पहाड़न 2 की वीडियो देखने की भी इच्छा थी, तो आज इसी बस में हम जाएंगे शिमला से कल्पा तक। इस सफ़र की हाईलाइट्स होंगी कुफरी और फागू के ब्लैक आइस वाली सड़कें, फिर नारकंडा के पास हर तरफ बर्फ से ढकी वादियां और किन्नौर की खतरनाक सड़कें जहां लैंडस्लाइड्स की घटनाएं अब पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सफ़र। आज तारीख है 7 फरवरी और दिन है बुधवार। सुबह के 5:30 बज रहे हैं और मैं पहुंच गया हूं ISBT टूटीकंडी शिमला में। 6:45 बजे ये दिल्ली रिकांगपियो बस यहां से निकल रही है। यहां से अपर शिमला एरिया यानी रोहडू, रामपुर और किन्नौर साइड सुबह काफ़ी बसेस जाती हैं। हमारी बस का चलने का टाइम भी 6:15 बजे का है और अभी बस ऊपर पार्किंग से यहाँ आएगी। ये आ गई धर्मशाला शिमला वॉल्वो। HRTC बसेस देखकर तो अच्छा लगता ही है, लेकिन HRTC वॉल्वो यानी हिमसुता को देखकर अलग ही खुशी होती है। और यहाँ तो 3-3 हैं, तो देखकर मज़ा आ गया। ये बसेस दिल्ली से आई हैं और अब पैसेंजर्स यहाँ ड्रॉप करके तारा देवी वर्कशॉप की ओर जा रही हैं। फिर जल्दी ही राका भाई अपनी बस लेकर यहाँ आ गए, तो अब चलते हैं ऊपर काउंटर की तरफ। सुबह के टाइम तो यहाँ एकदम सन्नाटा है और ठंड तो बहुत ज़्यादा है। राइट में रोहडू, रामपुर के काउंटर्स हैं, पर रात में वहाँ बसेस पार्क रहती हैं, तो हमारी बस साइड में आके खड़ी हो गई। राकेश ठाकुर, जिन्हें आप सब राका भाई के नाम से जानते होंगे, उन्हें करीब 1 साल पहले ये बस मिली थी और वो तब से लगातार इसकी डेकोरेशन करने में लगे हुए हैं। आप तब की नई बस और आज की लुक में फ़र्क देख सकते हैं। हालांकि राका भाई का मन अभी भी नहीं भरा है और उनके अकॉर्डिंग अभी बहुत कुछ करना बाकी है। बस की बाकी सजावट हम वीडियो में आपको आगे दिखाते रहेंगे। गुड मॉर्निंग। बस के चलने में अभी थोड़ा टाइम बाकी है, तो तब तक चाय पी लेते हैं। साथ में आप देखिए शिमला टूटीकंडी ISBT के सुबह के कुछ नज़ारे। आप 6:15 हो गए हैं और हमारी बस का यहाँ से चलने का टाइम भी 6:15 बजे। यहाँ से चलकर ये बस 11:30 बजे रामपुर, 4:15 बजे रिकांगपियो और 5:00 बजे कल्पा पहुँचती है। शिमला से रिकांगपियो के 240 किलोमीटर के इस सफ़र को ये बस 10 घंटों में पूरा करती है और इसका किराया है 533 रुपये। बस स्टैंड से 10-12 पैसेंजर्स लेकर फिर बस रिकांगपियो के सफ़र पर निकल पड़ी। बस का रूट तो वैसे रिकांगपियो से पांगी होते हुए कल्पा तक है, पर सर्दियों में आगे बर्फ होने की वजह से बस आज रिकांगपियो तक ही जाएगी। फिर विक्ट्री टनल से होते हुए हम आगे बढ़ गए। 6:30 हो गए हैं और अब हल्का उजाला भी होने लगा है। रास्ते से बस को काफ़ी सवारियां भी मिलती गईं, हालांकि ज़्यादातर पैसेंजर्स लोकल ही हैं। फिर लक्कड़ बाज़ार से होते हुए हम पहुंच गए IGMC बस स्टैंड और यहां पर बस 5-10 मिनट के लिए रुकेगी। ऊपर से छोटा सा रोड ये IGMC की ओर जाता है।
10 मिनट यहाँ रुककर फिर 7:45 बस आगे चल पड़ी। यहाँ ढली बाईपास से हमारी बस संजौली की ओर मुड़ गई। ये अर्ली मॉर्निंग वाली बस है, इसीलिए ऊपर से जा रही है। सुबह 8 से रात के 8 बजे क्रॉस होने वाली सारी बसेस फिर ढली बाईपास से ही जाती हैं। फिर हम पहुंच गए ढली टनल। राइट में बनी इस नई डबल लेन टनल का इनॉग्रेशन बीते 25 दिसंबर को किया गया था, लेकिन संजौली से ढली की ओर जाने के लिए पुरानी टनल से होकर ही जाना होता है। ढली के बाद फिर शिमला शहर की तंग सड़कें ख़त्म हो जाती हैं और खुली सड़कें आ जाती हैं, और खुली सड़क मिलते ही हमें यहाँ पर रोक दिया गया। पिछले हफ्ते शिमला समेत पूरे प्रदेश में भारी बर्फबारी हुई थी, तो अभी तक कुछ सड़कें बंद हैं। राका भाई भी 2-3 दिन किन्नौर में फंसे थे और कल ही कल्पा से वापस आए हैं। कल तो वो वाया नारकंडा ही आए थे, लेकिन बीती रात को कुफरी और ठियोग में हल्की बर्फबारी हुई थी, जिस कारण यहां से बड़ी गाड़ियों को वाया बसंतपुर भेजा जा रहा है। हमारी बस में ठियोग की काफ़ी सवारियां हैं, और जब कंडक्टर साहब ने पुलिस को ये बताया तो उन्होंने कहा कि अभी थोड़ा वेट करो, अभी पुलिस की गाड़ी रोड टेस्ट पर जाएगी और उसके बाद बड़े वाहनों को जाने दिया जाएगा। ये नीचे वाला रोड मशोबरा, तत्तापानी और करसोग की तरफ जाता है। जब नारकंडा में ज़्यादा बर्फ़ पड़ जाती है तो रामपुर जाने वाली गाड़ियों को भी इसी तरफ से भेजा जाता है। यहाँ पर हम करीब 45 मिनट खड़े रहे और अब यात्री भी थोड़ा परेशान होने लगे हैं। फिर सामने से ये रोहड़ू चामुंडा का जहाज़ आ गया और इसका हवाला देकर हम भी यहाँ से निकल गए। ऊपर की साइड से तो वैसे भी बड़े ट्रक्स आ ही रहे थे। फिर ग्रीन वैली से होते हुए हम आगे बढ़ गए। यहाँ पर बर्फ़ हल्की फुल्की ही है और ट्रैफिक भी बहुत कम है, इसीलिए हम जल्दी जल्दी यहाँ से निकल गए। थोड़ा आगे जाते ही सड़क पर ये ब्लैक आइस मिलना शुरू हो गई। यहाँ पर काफ़ी ध्यान से चलना पड़ता है, हालांकि कल और परसों विभाग द्वारा यहाँ पर मिट्टी फेंकी गई थी, इसीलिए फिसलन कम है। इसके बाद फिर हम पहुंच गए कुफरी। यहां से ये सामने वाला रोड रामपुर की तरफ और राइट वाला चायल की तरफ जाता है। अब सनराइज भी हो गया है और सुबह की पहली धूप में ये बर्फीली वादियां चमक उठी हैं।
यहाँ से फागु तक अब सड़क पर काफ़ी ब्लैक आइस मिलेगी, क्योंकि इस तरफ धूप कम ही आती है। यहाँ जब स्नो क्लियर की जाती है तो साथ में थोड़ी मिट्टी भी फेंक दी जाती है ताकि गाड़ियाँ स्किड ना हों। फिर भी यहाँ स्लो और एक ही स्पीड में चलना चाहिए ताकि ब्रेक का इस्तेमाल ना करना पड़े। और ये इधर उधर गांव में फंसी HRTC बसेस अब वापस शिमला की ओर लौट रही हैं। आइए अब देखते हैं ड्रोन से कुफरी के कुछ हसीन नज़ारे। इसके बाद हम पहुंच गए फागु और अब इस तरफ अच्छी धूप है। गर्म धूप में काफ़ी मज़ा आ रहा है और बर्फीले पहाड़ भी अलग ही चमक रहे हैं। इस तरफ अच्छी धूप पड़ती है तो रोड पर ज़्यादा स्नो नहीं है, खुला रोड है तो ड्राइवर फटाफट भगाकर टाइम कवर कर रहे हैं। ठियोग की तरफ ये सारा हिमपात कल रात में ही हुआ है। पेड़ों और झाड़ियों पर ये बर्फ़ ज़्यादा नहीं टिकती और आज अगर अच्छी धूप लगती है तो शाम तक ऑलमोस्ट साफ हो जाएगी। जब आप आए थे तो साफ था, इसके बाद फिर हम पहुंच गए ठियोग बाईपास। अब अपर शिमला और किन्नौर जाने वाला सारा ट्रैफिक यहां बाईपास रोड से होकर ही जाता है।
वैसे तो इस बाईपास रोड का काम कई सालों से चल रहा था, पर पिछले साल जब अंदर मार्केट से जाने वाले रोड पर एक मेजर लैंडस्लाइड हो गया तो इसका काम युद्ध स्तर पर पूरा किया गया और अभी कुछ महीने पहले ही इसे पब्लिक के लिए खोल दिया गया है। तो ये है 1965 मीटर के एलिवेशन पर बसा ठियोग, जो कि शिमला से 30 किलोमीटर दूर है और ज़िला शिमला की ही तहसील है। समर सीज़न में जब शिमला में काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है तो शिमला से आगे कुफरी और फागु घूमते हुए आप यहाँ ठियोग में भी शांत स्टे का आनंद ले सकते हैं। इसके बाद हम पहुंच गए ठियोग मेन चौक पर और यहां बस से उतरने वाली काफ़ी सवारियां हैं। ये नीचे वाला रोड रोहडू और चौपाल नेरवा की तरफ जाता है और ये त्यूणी ऊना हरोली बस भी यहां से शिमला की ओर निकल रही है। और ये इस तरफ ठियोग से शिमला जाने का मेन रोड हुआ करता था, जो अब काफ़ी टाइम से कंस्ट्रक्शन के चलते बंद है। साढ़े आठ बजे फिर हमारी बस ठियोग से आगे चल पड़ी। ठियोग के बाद सड़क पर फिर से काफी बर्फ मिलना शुरू हो गई और यहाँ पर स्पीड बहुत कम हो गई। बर्फ़ में ड्राइव थोड़ी रिस्की रहती है, पर यहाँ इन सुंदर व्यूज़ का कोई जवाब नहीं। ये NH05 शिमला से किन्नौर को जोड़ने वाला मेन रोड है जिस पर हम अभी जा रहे हैं। ये NH05 पंजाब के फिरोजपुर से इंडो तिब्बतन बॉर्डर पर शिपकिला तक है। ये मैक्सिमम रोड अब डबल लेन है, हालांकि रामपुर से आगे काफ़ी स्ट्रेच लैंडस्लाइड की वजह से अब खराब है। इस रोड को हिंदुस्तान तिब्बत राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम से भी जाना जाता है। हाँ,
ठियोग के बाद फिर 9:15 बजे हम पहुंच गए मटियाना। आज हम काफ़ी लेट हैं, वरना नॉर्मली बस 8 बजे तक यहाँ पहुंच जाती है। यहाँ काफ़ी सारी शॉप्स और ढाबे वगैरह भी हैं, लेकिन बर्फ़ की वजह से काफ़ी दुकानें आज बंद हैं। मटियाना के बाद पहाड़ थोड़े खुले हो जाते हैं और यहाँ के व्यूज़ तो बहुत ही सुंदर हैं। ठियोग के बाद इस रोड का ट्रैफिक भी बहुत कम हो जाता है और यहाँ रोड्स भी चौड़े हैं, तो फटाफट नारकंडा पहुँच जाते हैं। मटियाना के बाद एक और छोटा और सुंदर गांव आता है शिलारू। यहां भी काफ़ी होटल्स और होमस्टेज हैं। शिलारू के बाद फिर रोड यहाँ इन घने जंगलों से होकर गुजरता है। इन बसेस में फैक्ट्री से तो काफ़ी पतली सी ड्राइवर सीट आती है, पर राका भाई ने अपने लिए बढ़िया सीट लगवा ली है। बाकी उन्होंने अंदर से भी काफ़ी अच्छी डेकोरेशन करवा ली है और यहाँ चारों तरफ अच्छी बर्फ़ है। ठियोग के बाद हमें और कोई बस भी आगे से आती नहीं मिली, क्योंकि शायद रामपुर से आ रही बसेस को वाया बसंतपुर भेजा गया होगा। हो सकता है हमारे बाद शिमला से कुछ बसेस वाया नारकंडा होकर आएँ। अब आने वाला है नारकंडा। नारकंडा अपर शिमला का एक मशहूर टूरिस्ट स्पॉट है। 2708 मीटर्स की ऊंचाई पर बसा ये टाउन शिमला रिकॉन्क्वियो रोड का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है और अभी सर्दियों में यहाँ शिमला से भी ज़्यादा बर्फ़ गिरती है। बर्फ़ की वजह से यहाँ रोड अक्सर बंद हो जाता है और जैसा कि हमने बताया कि पिछले कुछ दिन रोड बंद होने के बाद कल ही खुला है।
पौने 10 बजे फिर हम नारकंडा पहुंच गए। शिमला से नारकंडा पहुंचने में वैसे 2-2.5 घंटे लगते हैं, पर आज तो 3.5 घंटे लग गए। नारकंडा के मेजर टूरिस्ट स्पॉट हाटू पीक और तनी जुब्बड़ लेक है। अगर आप दिल्ली चंडीगढ़ से किन्नौर स्पीति की तरफ जा रहे हों तो शिमला की बजाय यहाँ भी स्टे कर सकते हैं। घने देवदार के पेड़ों के बीच बसा नारकंडा एक बहुत प्यारा सा टाउन है। यहाँ काफ़ी सारे होटल्स अवेलेबल हैं और होटल्स का एवरेज रेट यहाँ 1500 से 3000 के बीच है। हमारी ये बस वैसे 5-10 मिनट के लिए यहाँ चाय के लिए रुकती भी है, पर आज लेट हैं तो सवारी उतार कर हम आगे चल पड़े। बस का यहाँ से चलने का निर्धारित समय वैसे 9:15 बजे का है। शिमला से नारकंडा तक हम जितना ऊपर चढ़े, अब रामपुर के लिए उससे भी ज़्यादा नीचे उतरना है। नारकंडा जहां 2708 मीटर पर बसा है, वहीं रामपुर 1021 मीटर की ऊंचाई पर है। और नारकंडा से सैंज के 35 किलोमीटर के बीच ही हमें ये सारी उतराई उतरनी है। नारकंडा से थोड़ा नीचे आकर फिर बर्फ़ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और अच्छे रास्ते पर बस सरपट भाग रही है। इसके बाद फिर हम पहुंच गए कुमारसैन। पहले ये बस किंगल से पहले जोगशा में ब्रेकफास्ट के लिए रुकती थी, पर अब ब्रेकफास्ट हाल्ट नीचे सैंज में होता है। इसके बाद हम पहुंच गए किंगल। जब नारकंडा वाला रोड बंद होता है तो बसेस ढली से वाया बसंतपुर होते हुए आती हैं और ये सामने वाले रोड से यहाँ किंगल में आकर मिलती हैं। नारकंडा से नीचे आते आते हम 11 बजे सैंज पहुंचे। यहां से लेफ्ट वाला रोड आनी होते हुए जलोड़ी पास की ओर निकल जाता है।
सैन से थोड़ा ही आगे फिर हमारी बस यहाँ ब्रेकफास्ट के लिए रुक गई। हमारी बस यहाँ इस हाईवे फूड एंड होमस्टे पर खाने के लिए रुकी है, जो कि HRTC अप्रूव्ड ढाबा है। भूख तो काफ़ी लग रही है, लेकिन बस लेट है तो सिर्फ 10-15 मिनट ही यहाँ पर रुकेंगे, इसलिए अब जल्दी जल्दी खाना पड़ेगा। यहाँ थाली 80 रुपए की है। बस में काफ़ी पैसेंजर्स थे तो सबका खाना आते आते काफ़ी टाइम लग गया और यहाँ पर 25-30 मिनट रुकना पड़ा। 11:30 बजे फिर हम यहाँ से रामपुर की ओर निकले। वैसे ये टाइम रामपुर पहुँचने का होता है। सैन से रिकांगपियो और आगे खाप संगम तक रोड अब इस सतलुज नदी के साथ साथ चलता है। और यहाँ पर ये दिल्ली रिकांगपियो बस ख़राब हो गई है, तो इसके पैसेंजर्स को हमारी बस में एडजस्ट कर लिया गया। नीरथ के पास यहाँ पर बन रहा है LHEP यानी लुहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का स्टेज 1, जिसकी कैपेसिटी 210 मेगावाट की है और 2026 में इसके कमीशन होने की उम्मीद है। इस प्रोजेक्ट की 3 स्टेजेस हैं और बाकी 2 स्टेजेस 172 मेगावाट लुहरी स्टेज 2 और 382 मेगावाट सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। यहाँ नीचे बन रहा है इस स्टेज 1 का 80 मीटर ऊंचा कंक्रीट ग्रेविटी डैम। और आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर नदी का पानी कहाँ गायब हो गया, तो डैम साइट से पहले यहाँ इनलेट टनल से पानी डाइवर्ट किया जाता है और डैम साइट के बाद आउटलेट टनल से वापस नदी में छोड़ दिया जाता है। डैम बनाने से पहले सबसे पहला काम ये डाइवर्जन टनल्स बनाना ही होता है। अब हम रामपुर पहुंचने वाले हैं। ये रामपुर का महालक्ष्मी मंदिर है और यहाँ पर हनुमान जी की बड़ी सी मूर्ति भी है। रामपुर शिमला जिला का एक बड़ा शहर है, हालांकि इस शहर का कुछ हिस्सा जिला कुल्लू में भी आता है। सतलुज नदी के इस तरफ जिला शिमला है, जबकि नदी के उस पार वाला हिस्सा जिला कुल्लू में है। टाइम अभी 12:30 हो रहे हैं और बस का रामपुर से चलने का समय वैसे 12 बजे का है, तो हम तो अभी आधा घंटा लेट चल रहे हैं। अभी
रामपुर शहर भी अब काफी व्यस्त हो गया है और यहाँ पर बहुत सारा ट्रैफिक और जाम मिलता ही है। लेफ्ट में ये रामपुर का बड़ा सा प्लेग्राउंड है और यहाँ से नीचे की ओर रास्ता बस स्टैंड के लिए जाता है, लेकिन बस स्टैंड वाला रोड काफी तंग है और आज यहाँ पर काफी जाम भी है। पाँच मिनट वेट करने के बाद लगा कि नीचे जाना तो बहुत मुश्किल है और बस ऑलरेडी लेट है, तो बस स्टैंड जाने वाली दो तीन सवारियों को यहीं पर ड्रॉप करके बस आगे की ओर चल पड़ी। आगे से ये रक्षम सांगला दिल्ली बस आ रही है। अब रामपुर से आगे ज्यूरी का रोड भी डबल लेन बन गया है, बस बीच में एक दो पॉइंट्स हैं जो खराब हैं। रामपुर काफी नीचे एलिवेशन पर है तो यहाँ पर बर्फ कभी कभार ही गिरती है। ओवरऑल रामपुर से रिकॉन्क्वियो का सफ़र अब खतरे से खाली नहीं है और बीच में काफ़ी सारे खतरनाक लैंडस्लाइड वाले पॉइंट हैं जहां कभी भी पत्थर गिरने का खतरा बना हुआ है। इनमें से सबसे पहला है झाकड़ी से ठीक पहले ये वाला पॉइंट। हालांकि आगे आने वाले पॉइंट्स के मुकाबले ये थोड़ा सेफ है और ऊपर से पत्थर गिरने का खतरा भी यहाँ पर कम है। यहाँ पिछली बरसात में भारी भूस्खलन हुआ था और अब यहाँ पर ठीक ठाक रास्ता बना दिया गया है। ये झाकड़ी टाउन है और यहाँ नीचे नाथपा झाकड़ी प्रोजेक्ट का पावर हाउस है, जबकि डैम 45 किलोमीटर आगे नाथपा में है। अब हम फिर से ऊंचाई की तरफ बढ़ने लगे हैं और ज्यूरी के ऊपर इन पहाड़ों पर बर्फ भी दिखाई देने लगी है। एक 1:40 पर फिर हम ज्यूरी पहुंच गए। ज्यूरी से सराहन के लिए अलग रोड जाता है जो कि यहां से 17 किलोमीटर दूर है। सराहन में माँ भीमा काली का भव्य मंदिर है। पहले हमारी इस बस का लंच ब्रेक यहीं ज्यूरी में होता था, लेकिन अब आगे भदाल में होगा। हमारी बस तो लगभग शिमला से ही पैक चल रही है। जितने लोग यहां बस से उतरते हैं उतने वापस चढ़ भी जाते हैं।
इसके बाद फिर 2 बजे हम पहुंच गए बधाल और यहां पर बस का लंच ब्रेक भी होगा। नॉर्मली बस का ब्रेकफास्ट टाइम सैंज में 10 बजे है और लंच टाइम यहां बधाल में 1:15 बजे के आसपास है, तो ब्रेकफास्ट और लंच के बीच 3 घंटे से भी कम का गैप है। अगर ब्रेकफास्ट कहीं 8:30-9 बजे के बीच होता तो बेस्ट रहता। और यहाँ का लंच तो काफ़ी टेस्टी है। लंच में मक्की की रोटी के साथ साग, राजमा और कढ़ी है, साथ में आप चावल भी ले सकते हैं। यहाँ का गर्मा गर्म खाना खाकर तो मज़ा आ गया। ढाई बजे फिर लंच करके हम यहाँ से आगे के सफ़र पर निकल पड़े। यहाँ बधाल में ये एक बड़ा सा होटल भी है जिसका नाम दी हिमालयन हेरिटेज है। इसके बाद अब बस का कोई ब्रेक नहीं है और अब हम सीधे रिकांगपियो में ही रुकेंगे। ज्यूरी के बाद टापरी तक रोड की हालत बहुत ख़राब है। रोड भी मैक्सिमम सिंगल लेन है और गड्ढे भी बहुत हैं। ये बधाल शिमला ज़िला का आखिरी गांव था और अब हम जल्दी ही किन्नौर ज़िला में प्रवेश कर जाएंगे। ये आ गया किन्नौर द्वार और अब हम ज़िला किन्नौर में प्रवेश कर गए हैं। बाहर के इन मनोरम दृश्यों का मज़ा लेते हुए हम आगे जा रहे हैं। किन्नौर में एंट्री के बाद सबसे पहला गांव आता है चौरा। रिकांगपियो यहां से लगभग 65 किलोमीटर दूर है। और ये पत्थर भी अभी कुछ समय पहले ही ऊपर से गिरा है। इसके बाद तो रिकांगपियो तक यही हाल है और काफ़ी ध्यान से चलना पड़ेगा। फिर ये रॉक टनल आ जाती है जो इस रास्ते का एक फेमस पॉइंट है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में यहाँ भी कई बार बड़े बड़े पत्थर गिर चुके हैं। इस तरफ अब एकदम पथरीली चट्टाने हैं और रोड तंग सा ही है, यानी सिंगल लेन है और इसकी काफ़ी टाइम से टायरिंग भी नहीं हुई है। फिर निगुलसरी से पहले ये आता है दूसरा खतरनाक लैंडस्लाइड पॉइंट, जहां कुछ साल पहले वो दुखद हादसा भी हुआ था जिसमें भयंकर लैंडस्लाइड में पूरी बस और कुछ गाड़ियां नीचे चली गई थीं। उसके बाद लंबे समय तक यहां पर पत्थर गिरते रहे और अब यहां पर नेटिंग लगा दी है जिससे छोटे मोटे पत्थरों से थोड़ा आराम मिला है। तो
निगुलसरी से ठीक पहले ये एक पॉइंट तो था ही, लेकिन अब गांव के बाद भी एक और बड़ा लैंडस्लाइड पॉइंट बन गया है जो कि सबसे खतरनाक है। उसके बारे में हम गांव क्रॉस करने के बाद बात करते हैं। निगुलसरी गांव के लोगों के लिए तो सच में एक बड़ी मुसीबत पैदा हो गई है। गांव के दोनों तरफ बड़े बड़े स्लाइडिंग पॉइंट बन गए हैं जिससे इनका जीवन यहाँ खतरे से खाली नहीं रहा है। फिर हम पहुंच गए निगुलसरी और यहाँ ये ताबो रामपुर बस भी खड़ी है। और ये है तीसरा स्लाइडिंग पॉइंट जो सबसे खतरनाक है। यहाँ कुछ समय पहले रोड का लगभग 100 मीटर हिस्सा ऊपर से आए भारी मलबे की चपेट में आ गया था और अब भी आए दिन ऊपर से बड़े बड़े पत्थर गिरते रहते हैं। यहाँ पुलिस वाले तैनात रहते हैं और काफ़ी ध्यान से गाड़ियों को निकाला जाता है। जब ये पॉइंट दिन में ही सेफ नहीं है तो रात में तो खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए शाम 7 बजे से सुबह 6-7 बजे तक निगुलसरी से भाभा नगर तक रोड बंद रहता है और किसी को जाने की अनुमति नहीं है। बाकी स्लाइडिंग पॉइंट्स के लिए तो अल्टरनेट रोड्स हैं भी, पर इसका कोई अल्टरनेट रोड नहीं है। आप भी अगर रात को इस तरफ ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। यहाँ कई गाड़ियों पर पत्थर गिर चुके हैं और नीचे आप पिकअप को देख सकते हैं जो पत्थरों की चपेट में आ गई थी। अब हम त्रंडा ढांग पहुंचने वाले हैं। ढांग से पहले ये त्रंडा माता का मंदिर है और यहाँ से गुजरने वाले लोग मंदिर में माथा ज़रूर टेक कर जाते हैं। कहा जाता है कि त्रंडा देवी इन खतरनाक सड़कों पर आपकी सुरक्षा करती है। इस ढांग पर सड़क बनाने का काम 1950 के दशक में हुआ था और इन चट्टानों पर किसी भी मशीन का उपयोग नहीं हुआ है, जबकि मजदूरों ने स्वयं हाथों से काट काट कर यहां पर रोड बनाया है। ये ढांग करीब 2 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच है और यहां सतलुज नदी एकदम नीचे है। ज़रा सी भी चूक हुई तो सीधा नदी में समा सकते हैं। हालांकि अब इसे थोड़ा चौड़ा कर दिया गया है, लेकिन कुछ साल पहले तक तो बस एक बस के निकलने की जगह होती थी और पास लेने के पॉइंट्स बहुत कम थे। Thank you.
त्रंडा ढांग के बाद फिर ये सुंदर सा पुल आता है जिसका नाम निचार आयरन ब्रिज है। ये पलिंगी गांव है और यहां से ऊपर वाला रोड निचार के लिए जाता है जो कि 16 किलोमीटर दूर है। इसके बाद फिर हम पहुंचे भाभानगर। ये गांव एचपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के भाभा इलेक्ट्रिक प्लांट के वर्कर्स को सेटल करने के लिए बसाया गया था। भाभानगर के बाद आता है नाथपा और यहाँ नीचे नाथपा डैम है जिसका पावर हाउस पीछे झाकड़ी में था। नाथपा झाकड़ी एशिया का सबसे लंबा अंडरग्राउंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है और इसकी कैपेसिटी 1530 मेगावाट की है। और यहाँ आगे है चौथा स्लाइडिंग पॉइंट। यहाँ भी आए दिन पत्थर गिर रहे हैं और रोड तो क्लियर कर दिया जाता है लेकिन बार बार नया मलबा ऊपर से आकर गिर जाता है। आज भी ऐसा ही हुआ, तो अब हम वापस पीछे जाकर नाथपा से नीचे उतरकर सामने वाली पहाड़ी से होकर जाएंगे। यहाँ से अब नाथपा डैम रोड से होते हुए हम वांगतू में जाकर निकलेंगे। ये डैम तक जाने का रोड है तो सिंगल लेन है और यहाँ पर तंग मोड़ भी है। ज्यूरी के बाद तो सच में सड़कों का बुरा हाल है। हर तरफ धूल मिट्टी और ऊपर से गिरते पत्थरों का खतरा। यहाँ तो जान हथेली पर रखकर चलना पड़ता है। अब आगे नाथपा डैम आने वाला है जहाँ सतलुज का काफी पानी रोका हुआ है, इसलिए यहाँ पानी ना के बराबर है। ये सामने है नाथपा डैम। वैसे तो हम सामने वाले पहाड़ से होकर जाते थे जो कि मेन रोड है, पर आजकल मैक्सिमम टाइम ट्रैफिक यहीं से डाइवर्ट किया जाता है। राइट साइड में आप वो स्लाइडिंग पॉइंट भी देख सकते हैं जिसकी वजह से हमें यहां से डाइवर्ट होकर आना पड़ा। नाथपा डैम तक तो सड़क पक्की थी लेकिन अब आगे वांगतू तक ऐसा खराब सा है। और यहाँ से स्लाइडिंग एरिया को ज़्यादा अच्छे से देखा जा सकता है और सबसे बड़ी बात ये कि स्लाइडिंग पॉइंट डैम एरिया के कितने करीब है। तो आपने देख लिया कि रामपुर से यहाँ तक कितने सारे खतरनाक स्लाइडिंग एरियाज बन चुके हैं जिसके लिए लंबे डाइवर्जन्स और रात में रोड बंद करने जैसे कदम भी उठाए गए हैं। लेकिन शायद सरकार को इस बारे में अब गहनता से रिसर्च करने की ज़रूरत है कि क्यों बिन बरसात के भी किन्नौर में लैंडस्लाइड पर लैंडस्लाइड हो रहे हैं। यहां से रोज़ाना गुजरने वाले लोगों का जीवन तो खतरे से खाली नहीं रह गया है। Thank you.
फिर वांगतू में हम दोबारा मेन रोड पर मिल गए। ये वांगतू पावर हाउस है जिसका डैम आगे कच्छम में है। यहाँ सामने कच्छम वांगतू टनल में कई सालों से रिसाव हो रहा है। इसके बाद फिर शाम 4:30 बजे हम पहुंच गए टापरी। टापरी ज्यूरी के बाद अगला मेजर स्टेशन है। HRTC की सभी बसेज यहां कुछ देर बस स्टैंड में रुकती हैं। टापरी में नाइट स्टे के लिए कुछ होटल्स या गेस्ट हाउस भी मिल जाते हैं। टापरी के बाद फिर दो तंग पुल आते हैं जो बस और ट्रक्स के लिए एकदम पूरे पूरे हैं। 37 सीटर बस तो फिर भी यहाँ आसानी से निकल जाती है, लेकिन हमारी 47 सीटर बस को बहुत ही ध्यान से निकालना पड़ता है। इसके बाद आता है कच्छम, जहाँ से राइट साइड में रोड बसपा वैली यानी सांगला रक्षम और छितकुल की तरफ जाता है। कच्छम से रिकोंगपियो के लिए लेफ्ट में ये एक शॉर्टकट रोड भी बनाया गया है, लेकिन यहाँ सावधानी से जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक तो ये बेहद संकरा है, दूसरा यहाँ पर छोटे बड़े पत्थर भी गिरते रहते हैं। कुछ हफ्ते पहले ही यहाँ एक पिकअप का एक्सीडेंट हुआ था और इतनी ऊपर से गिरने के बाद पिकअप की हालत तो आप देख सकते हैं। इस हादसे में कोई भी नहीं बच पाया था। इसके अलावा भी यहाँ वहाँ कई गाड़ियाँ नदी में गिरी हुई मिली, तो कहना गलत नहीं होगा कि किन्नौर की सड़कों पर अत्यधिक सावधानी बरतें। कड़छम से रिकोंगपियो बस 24 किलोमीटर दूर है और इसमें करीब आधा घंटा लगता है। रामपुर 1021 मीटर के एलिवेशन पर था और वहां से हम रिकोंगपियो के लिए लगातार ऊपर आ रहे हैं। रिकोंगपियो 2290 मीटर की ऊंचाई पर है। शोंगटोंग के बाद अब हम पोवारी की चढ़ाई चढ़ रहे हैं। पोवारी से रिकोंगपियो तक तीखी चढ़ाई है और रोड भी सिंगल ही है।
और यहाँ से खूबसूरत रिकोंगपियो की पहली झलक मिलती है। बर्फीले बैकड्रॉप के आगे ये शहर बहुत ही सुंदर दिख रहा है। तो 6:15 बजे हम रिकोंगपियो मेन चौक पर पहुंच गए। ये यहाँ का मेन चौक है और यहीं ऊपर एक बड़ी मार्केट भी है। ये सामने वाला रोड पांगी के लिए जाता है और जब बस कल्पा जाती है तो रिकोंगपियो की सवारियों को यहाँ मार्केट में ड्रॉप करके यहीं से पांगी होते हुए कल्पा चली जाती है। लेकिन सर्दियों में बस कल्पा नहीं जाती और अब सीधे रिकोंगपियो बस स्टैंड जाएगी। तो फाइनली शाम के 6 बजे हम बस स्टैंड रिकोंगपियो पहुंच गए। बर्फीले रास्तों और बीच में लेट होने की वजह से आज हम 1.5 घंटा देरी से यहां पहुंचे हैं। नॉर्मली बस 4:15 या 4:30 बजे तक यहां पर पहुंच जाती है। यहाँ फिर बस साइड में पार्क हो गई और अब कल सुबह 7:40 पर यहाँ से शिमला के लिए निकलेगी और शाम 5:30 बजे तक शिमला पहुँच जाती है। ऐसी ठंड में जहाँ पानी को हाथ लगाने से भी डर लगे, लेकिन राका भाई का सबसे पहला काम तो बस की सफाई करना है। रिकोंगपियो को सबसे सुंदर बस अड्डों में से एक माना जाता है और आप खुद देख सकते हैं कि क्यों। सामने ये बर्फ से ढकी खूबसूरत चोटियां और बीच में ये छोटा सा बस स्टैंड। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम यहां पर खत्म करते हैं। उम्मीद है शिमला से रिकोंगपियो का ये सफर आपको पसंद आया होगा। और आए भी क्यों ना, क्योंकि राका भाई की जहरीली पहाड़न 2 हो तो सफ़र का मज़ा ही कुछ अलग रहता है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। जल्दी मुलाकात होगी किसी नई सफ़र पर। धन्यवाद।